वेलकम बैक गाइस। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिनेमास कलेक्शन में। तो गाइस, आज हम ऐसी अपडेट लेके आए हैं जिसको कि जान के मतलब आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो अगर आप गोविंदा सर के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले दिल से लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो आज हम बात करेंगे गोविंदा किशन यानी कि जो है कि यश वर्धन के यानी कि अपकमिंग मूवी के बारे में। सी हाँ गाइस, तो जो यश वर्धन आहूजा जी हैं वो गोविंदा जी के सन हैं और ये जो है कि बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि टाइगर श्रॉफ, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, आलिया भट्ट और मतलब ऐसे कई सारे जो स्टार कास्ट हैं। जैसे कि अगर बात करें मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नमासी चक्रवर्ती जी की, और वहीं बात करें हम सुनील शेट्टी जी के बेटे की, तो मतलब सारे स्टार किड्स जो हैं वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। तो अब बारी है यानी कि इंडिया के सबसे अच्छे डांसर यानी कि गोविंदा सर के बेटे यश वर्धन आहूजा के यानी कि डेब्यूट की। जी हाँ गाइस, तो ये जो है कि डेब्यू करने वाले हैं जल्द ही बॉलीवुड में। और ये जो डेब्यू करेंगे वो करेंगे बॉलीवुड की फिल्म यानी कि आओ ट्विस्ट करें। सी हाँ गाइस, तो इस मूवी का जो नाम होने वाला है वो है आओ ट्विस्ट करें। बात करें इस मूवी को जो है कि प्रोड्यूस किसने किया है, तो इस मूवी को जो है कि प्रोड्यूस किया है गोविंदा सर ने और उनके साथ साथ जो उनके यानी कि शिगरी दोस्त हैं। जी हाँ गाइस, तो उनके जो मतलब अगर देखा जाए तो मैं तो कहूँगा कि उनके सबसे यानी कि शिगरी जो दोस्त हैं गणेश आचार्य और उनकी डॉटर यानी कि जो है कि सौंदर्य आचार्य, तो इन लोगों ने मिलके इस मूवी को जो है कि प्रोड्यूस किया है। वैसे अभी इस मूवी को जो है कि स्टोरी का और मतलब कि जो स्टार कास्ट है उसको हाइड करके रखा गया है हम लोगों से, ताकि जो है कि इस मूवी की हाइप को बना के रखा जा सके। जी हाँ गाइस, तो वैसे ये मूवी जो है काफ़ी अच्छी होने वाली है, अच्छे बजट से बनेगी और उम्मीद करता हूँ गाइस कि ये जो जो यानी कि इनके पुत्र हैं यानी कि गोविंदा सर के, तो वो भी यानी कि एक अच्छी एक्टिंग करें। जैसे गोविंदा सर ने हम लोगों को काफ़ी मतलब ज़्यादा एंटरटेन किया है और उनकी कॉमेडी, डांस और मतलब हर चीज़ से ही उन लोगों उन्होंने जो है कि अपना बॉलीवुड में राज किया था अपने टाइम पे, तो 90 के दशक में। तो वही हम लोग इनके बेटे से भी उम्मीद करते हैं कि जो यश वर्धन आहूजा हैं वो भी हमें इस प्रकार की ही एक्टिंग दिखाएं। और वैसे यानी कि कुछ लोगों की माने तो ये काफ़ी अच्छे यानी कि जो है कि एक्टिंग की स्किल में हैं। वैसे इन्होंने जो है कि साजिद नाडियाडवाला और मतलब कि कई सारे यानी कि उनके जो है कि प्रोड्यूसर्स के साथ काम भी किया है कई सारी मूवीज़ में, तो इनको जो है कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है कि मतलब कि क्या कहाँ पे क्या करना है, तो इनको मतलब बहुत अच्छे से सब कुछ पता है। और मतलब तभी इनको जो है कि अब सोचा है उनकी, जैसे कि मॉम ने डिसाइड किया है कि अब हम अपने पुत्र को जो है कि लॉन्च करते हैं अभी, तो इनकी जो मूवी है आउटपुट करें वो जल्द ही रिलीज़ होने वाली है और ये 2024 में आने वाली मूवी है। जी हाँ गाइस, जैसे कि अभी नमासी चक्रवर्ती जी की मूवी आई थी बैड बॉय, वैसे ही ये भी यानी कि मूवी में लॉन्च होने वाले हैं और इस मूवी का जो बजट है वो अच्छा खासा रहने वाला है। और यानी कि स्टोरी लाइन इसकी रिवील नहीं करी गई है ताकि इस मूवी की हाइप बनी रहे। तो आपको क्या लगता है गाइस कि ये जो है कि क्या ये मतलब गोविंदा सर को यानी कि इनके बेटे जो है कि कंपटीशन दे पाएंगे या नहीं, आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप भी यानी कि गोविंदा सर के फ़ैन हैं और उनके आने वाले बेटे यानी कि जो है कि यशवर्धन आहूजा जी को यानी कि अच्छी एक्टिंग करना देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।